तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है सबसे पहले तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सके तो जब भी एक या ए, जब भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हों जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं रिसोर्सेज शेयर करते हैं तो उनको क्या कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क करेक्ट्रिस्टिक्स क्या होती है कंप्यूटर नेटवर्क की तो शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं क्रिएट फाइल्स एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर एक्सेस दो फाइल फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क यानी कि अगर किसी सिस्टम में कोई फाइल रखा हुआ है सेव है तो आप उसको दूसरे कंप्यूटर से जो है जो उस कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा है उससे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं कनेक्ट ए प्रिंटर स्कैनर और ए फैक्स मशीन टू वन कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क एंड लेट अदर कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क अवेलेबल ओवर द नेटवर्क यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में अगर किसी एक प्रिंटर में एक कंप्यूटर में प्रिंटर स्कैनर या फैक्स मशीन अटैच है तो आप उसको उस कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े दूसरे कंप्यूटर से भी एक्सेस यूज कर सकते हैं फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर टू सेटअप ए कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क को सेटअप करने के लिए नीचे दी हुई चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं जैसे कि पहला है नेटवर्क केबल होना चाहिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए राउटर होना चाहिए इंटरनल नेटवर्क कार्ड और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड होना चाहिए ये पांच चीज़ें अगर होंगी तभी आप कंप्यूटर नेटवर्क सेटअप कर पाएंगे अब हम देख लें कि नेटवर्क कितने टाइप का होता है तो चार टाइप के नेटवर्क होते हैं पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन यानी मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन तो पैन सिंपल सी बात है ए पर्सनल एरिया नेटवर्क इज जो स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज़ वेरी पर्सनल टू यूजर यानी कि यूजर से रिलेटेड होता है जो कि पर्सनल यूज़ के लिए होता है दिस में इंक्लूड ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस और इन्फ्रेड इनेबल डिवाइस यानी कि एक कंप्यूटर से जब आप किसी ब्लूटूथ डिवाइसेस को इन्फ्रेड डिवाइसेज को अटैच करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क हैज़ कनेक्टिविटी रेंज अप टू टेन मीटर्स यानी कि इसमें टेन मीटर्स तक की रेंज में आप कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पैन में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस ये वायरलेस कीबोर्ड आपने कनेक्ट किया हो चाहे माउस कनेक्ट किया हो चाहे ब्लूटूथ इनेबल्ड हैडफोन्स या वायरलेस प्रिंटर या टी रिमोट आपने कनेक्ट किया हो वो सब किस में आएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क में तो आप जैसे घर में लैपटॉप रखते हैं या वाईफाई ऑन करते हैं तो उसमें आप अपना मोबाइल अटैच कर लेते हैं टीवी अटैच कर लेते हैं या फिर आप हेडफोन अटैच कर लेते हैं ब्लूटूथ का तो वो सब क्या कहलाते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क अब हम बात करते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क तो क्या होता है एक कंप्यूटर नेटवर्क स्पेंड इनसाइड ए बिल्डिंग और ऑपरेटेड अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज़ जनरली टर्म्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी बिल्डिंग के अंदर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी नेटवर्क यूज़ करते हैं उसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं तो उस टाइप के

में हेल्प करता है द रिसोर्स एज प्रिंटर फाइल सर्वर स्कैनर इंटरनेट आर इजिली द कंप्यूटर्स तो यानी लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू प्रिंटर फाइल सर्वर स्कैनर इंटरनेट हम इज़ली जो है शेयर कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में लैन uses आइदर इथरनेट और टोकन रिंग टेक्नोलॉजी लैन जो है वो Ethernet या टोकन रिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है Ethernet इज मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड लैन टेक्नोलॉजी एंड यूजेज स्टार टोपोलॉजी while टोकन रिंग इज़ रेयरली सीन तो यानी टोकन रिंग रेयरली सीन होता है टोकन रिंग जल्दी भी नहीं मिलता है Ethernet, जो है वो वाइडली मिल जाता है स्टार टोपोलॉजी में वर्क करता है लोकल एरिया नेटवर्क लैन कैन be वायर्ड वायरलेस और इन बोथ फॉर्म एट वंस यानी कि लोकल नेटवर्क या तो वायर्ड भी होगा या फिर वायरलेस भी हो सकता है या फिर दोनों में दोनों ही हो सकता है यानी वायर्ड और वायरलेस दोनों यूज कर सकता है नेक्स्ट है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये जैसे कि नाम से बता रहा है कि एक पूरा सिटी जो है इसमें कनेक्टेड होता है ऐसा नेटवर्क जिसमें पूरी सिटी के कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जनरली एक्सपेंड थ्रो दिस सिटी सच एज केबल टी नेटवर्क जैसे कि केबल टी नेटवर्क आप देखते होंगे केबल पूरे सिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है इट कैन भी इन द फॉर्म ऑफ इथरनेट टोकनिंग ए और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यानी एफ मेट्रो इथरनेट इज अ सर्विस विच इज़ प्रोवाइड बाई आई एस पी यानी कि मेट्रो इथरनेट या फिर मेट्रोपोलिटन एरेंटों का एक ऐसा इथरनेट है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है यानी उस पूरे एरिया में एक कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा जो उसको आपको देता है दिस सर्विस इनेबल इट्स यूजर टू एक्सपेंड देयर लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं यानी एक कॉलेज को दूसरे कॉलेज से जोड़ सकते हैं एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट ऑल इट्स ऑफिसेसर सिटी यानी कि आपके एक ही सिटी में चार पांच ऑफिसेस हैं तो सभी को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं तो चार आप, एक सिटी में चार जगह आपके ऑफिस के कंप्यूटर नेटवर्क को आपने आपस में जोड़ते हो क्या बनता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि टू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है एज द नेम सजेस्ट द वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स ए वाइड एरिया विच में स्पैन अक्रॉस प्रोविडेंस एंड इवन अ होल कंट्री जब एक कंट्री के कंप्यूटर नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर के कंट्री के कंप्यूटर नेटवर्क से अटैच होते हैं तो इस टाइप के हमको क्या कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क या फिर एक स्टेट का दूसरे स्टेट से अटैच हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क जनरली टेली नेटवर्क आर वाइड एरिया नेटवर्क जो भी टेली नेटवर्क होते हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क जैसे जियो बी एस एयरटेल ये सब क्या है वाइड एरिया नेटवर्क है यह आपको कहीं भी किसी भी सिटी में किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में बात करने में कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं दीज नेटवर्क प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू मैन लैंड ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं लैंड को और मैन को सिंस दे आर इक्विप्ड विध वेरी हाई स्पीड बैकबोन बैक यूज वेरी एक्सपेंसिव नेटवर्क इक्विपमेंट वैन में यूज एडवांस टेक्नोलॉजी सजेस एसक्रोनास ट्रांसफर मोड ए टी एम फ्रेम रिले एंड सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क सोनेट वैन में भी मैनेज बाई मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन वैन जो है वह मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मैनेज किया जाता है अब हम बात कर लें नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है ए नेटवर्क टोपोलॉजी अरेंजमेंट विथ विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर टोपोलॉजी सिंपल सा एक अरेंजमेंट है जिसमें कि कंप्यूटर्स जो आपस में जुड़े होते हैं तो किस तरीके से कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं एक नेटवर्क में उसी को हम क्या कहते हैं नेटवर्क टेपोलॉजी टोपोलॉजी में भी बहुत फिजिकल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क यानी टोपोलॉजी फिजिकल और लॉजिकल एस्पेक्ट दोनों को बताता है नेटवर्क में बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल टोपोलॉजी कुड बी सेम और डिफरेंट इन सेम नेटवर्क पहला है पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने फिगर में पॉइंट टू पॉइंट यानी कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से अटैच है बस तो इस टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी तो दूसरा है बस टोपोलॉजी बस आप जैसे देखते होंगे बीच में रास्ता होता है दूसरे साइड एक लेफ्ट साइड सीट्स होती हैं राइट साइड सीट्स होती है इसी तरीके से बस टोपोलॉजी में क्या होता है कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं लेफ्ट साइड एक मेन वायर जाता है उसमें लेफ्ट साइड में कुछ कंप्यूटर्स जुड़ेंगे और राइट साइड में कुछ कंप्यूटर्स उसमें जुड़े होते हैं इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज से सिंगल कम्युनिकेशन लाइन केबल यानी एक सिंगल कम्युनिकेशन केबल होगा लाइन होगा उसी में जो भी सिस्टम्स होंगे वो आपस में जुड़े होते हैं नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी आप रिंग टोपोलॉजी नीचे देख रहे होंगे तो ये क्या हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क जब आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि वो एक रिंग फॉर्म करते हैं तो इस टाइप के टोपोलॉजी को क्या कहते हैं रिंग टोपोलॉजी ईच होस्ट मशीन कनेक्ट टू एग्जैक्टली टू अदर मशीन यानी कि आप एक कंप्यूटर देखेंगे तो वो लेफ्ट में एक से जुड़ा और दूसरे राइट में जुड़ा हुआ है आप किसी को देख ले तो ये इस तरीके से जुड़ते हैं कि एक रिंग फॉर्म हो जाता है तो इनके इसलिए क्या कहते हैं इस टाइप के टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी तो आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक सारे कंप्यूटर्स एक सर्वर से जुड़े होते हैं और स्टार फॉर्म करते थे इस तरीके के नेटवर्क टोपोलॉजी को कहते हैं स्टार टोपोलॉजी ऑल होस्ट इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड टू सेंट्रल डिवाइस आप देख सकते हैं सभी कंप्यूटर क्या है एक सेंट्रल डिवाइस में कनेक्टेड है एज हब डिवाइस उसको हम क्या कहते हैं हब डिवाइस यूजिंग ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हब डिवाइस से हर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है आपस में कंप्यूटर्स नहीं जुड़े हैं हब डिवाइस से जुड़ा हुआ है और एक स्टार फॉर्म करे तो इस टाइप के टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं स्टार टोपोलॉजी हब होता है रिपीटर होता है स्विचर होते हैं और राउटर होते हैं नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है दैट इज मैश टोपोलॉजी अब आप मेस्ट मेज मैश अप हो चुका है यानी कि मिक्स हो चुका है तो आप यहाँ देखिए सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं और सभी से जुड़े हुए हैं तो इस टाइप की टोपोलॉजी को कहते हैं मैश टोपोलॉजी इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ए होस्ट इज कनेक्टेड टू वन और मल्टीपल होस्ट यानी कि एक होस्ट दूसरे या दूसरे एक से अधिक होस्ट से जुड़ा होता है दिस टोपोलॉजी हैज होस्ट इन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद एवरी अदर होस्ट एंड मे ऑल्सो है फ्यू होस्ट ओनली यानी कि एक पॉइंट टू पॉइंट भी है और पॉइंट टू अदर कनेक्शन भी इसमें होते हैं नेक्स्ट है टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी आप यहां पे देख रहे होंगे कि एक हब सर्वर होता है और उससे नीचे जो है पूरे कनेक्टेड होते चले गए हैं आप जैसे देखते होंगे मार्केटिंग का की मार्केटिंग जो होती है करते हैं लोग एक आदमी जो है दूसरे दो को जोड़ता है फिर दो दो को जोड़ते हैं दो और दो को जोड़ते हैं इस तरीके से पूरा एक ट्री बनता चला जाता था यही पे ट्री टोपोलॉजी है ऑल्सो नॉन एज हेरारिकल टोपोलॉजी तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नो टोपोलॉजी टोपोलॉजी इन यूज प्रेजेंटली तो ये सबसे कॉमन फॉर्म है टोपोलॉजी का जो कि आज हमारे टाइम पे यूज़ होता है एक हब सर्वर होता है वहाँ से बहुत सारे लोग आपस में जुड़े होते हैं दिस टोपोलॉजी इमिटेट्स एज एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है एंड रिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ तो बस टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का इसमें प्रॉपर्टी होता है नेक्स्ट है डेजी चैन डेजी चैन सिम्पल दिस टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल होता होस्ट इन ए लेनियर फैशन जब कोई भी नेटवर्क एक लेनियर फैशन में जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं डेजी चैन सिमिलर टू रिंग टोपोलॉजी ऑल होस्ट आर कनेक्टेड टू टू होस्ट ऑनली एक्सेप्ट द एंड होस्ट यानी कि इसमें जो एंड होस्ट होता है उसको छोड़ दें तो बाकी सारे होस्ट जो है वो आपस में जुड़े होते हैं एक राइट right में होगा एक लेफ्ट में अटैच हो ज्वाइंट होता है जैसे कि आप रिंग टोपोलॉजी में देखते थे एक सिस्टम जो है वो राइट right साइड में एक सिस्टम से जुड़ा होता था और लेफ्ट साइड में एक सिस्टम से जुड़ा होता है इफ द एंड आर कनेक्टेड देन इट रिप्रेजेंट रिंग टोपोलॉजी अगर हम एंड जो कंप्यूटर होता है इसमें अगर उसको भी किसी कंप्यूटर से जोड़े तो वो क्या हो जाएगा पूरा एक रिंग फॉर्म हो जाता है तो इसलिए ये डेजी चैन है नेक्स्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी हाइब्रिड मीन्स मिक्सचर यानी इसमें स्टार स्टार और रिंग आप देख रहे होंगे रिंग स्टार स्टार तो ये सब कुछ मिला के क्या होते हैं हाइब्रिड यानी कि इसमें स्टार टोपोलॉजी भी होगा रिंग टोपोलॉजी भी होगा और अदर टोप अदर फॉर्म ऑफ टोपोलॉजी भी हो सकते हैं तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर हु डिजाइन कंटेंट मोर देन वन टोपोलॉजी टू बी हाइब्रिड टोपोलॉजी यानी कि ऐसा कोई नेटवर्क जिसमें एक टोपोलॉजी से ज़्यादा टोपोलॉजी होते हैं कि स्टार भी है रिंग भी है मेश भी है तो इस टाइप की टोपोलॉजी को कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी इन एट्स मेरिट एंड डेमेरिट ऑफ ऑल द इनकोपरेटिंग टोपोलॉजीज अब हम बात कर लें इलेक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज एन इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ ट्रांसफरिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली बिटवीन इट्स वेरियस डिपार्टमेंट और एक्सटर्नली विद सप्लायर कस्टमर और एनी सब्सिडरीज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है कि ये ट्रांसफ़र बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर किसी सप्लायर कस्टमर और किसी सब्सिडरी को तो उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी कि बिज़नेस डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज करना इन ए डी आई पेपर डॉक्यूमेंट और रिप्लेस विद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी कि जो हार्ड कॉपी हम लेके डॉक्यूमेंट कर चलते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में सचे वर्ड डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में होता है हम उसको प्रिंट ना निकाल के सीधे सीधे सॉफ्ट कॉपी में उसको शेयर करते हैं ई डी आई डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकते हैं जैसे कि इन्वाइस होता है परचेज ऑर्डर होते हैं शिपिंग रिक्वेस्ट होते हैं एक्नोलिजमेंट होता है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स लेटर्स होते हैं फिनंशियल इन्फॉर्मेशन लेटर आप देखते होंगे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके पास जो है सॉफ्ट कॉपी में इन आ जाता है जो रिसिप्ट होती है सॉफ्ट कॉपी में परचेज ऑर्डर आता है रिक्वेस्ट ये सारी चीज़ें क्या होती है सॉफ्ट कॉपी होती है इसमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज तो स्टेप्स क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में तो ए प्रोग्राम जनरेट फाइल दैट कंटेज द प्रोसेस डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट होता है प्रोसेस डॉक्यूमेंट वो एक प्रोग्राम जो जनरेट करता है दिस डॉक्यूमेंट इज कन्वर्टेड टू एन एग्रीड स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है द फाइल कंटेंट द डॉक्यूमेंट इज सेंट इलेक्ट्रॉनिक ऑन द नेटवर्क ऑफ जो डॉक्यूमेंट जिसमें सारे इंफॉर्मेशन होते हैं वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर दिया जाता है उस नेटवर्क पर द ट्रेडिंग पार्टनर रिसीव द फाइल जो भी ट्रेडिंग पार्टनर होता है चाहे वो सेलर हो चाहे बायर हो वो उसको जो है रिसीव करता है एंड एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड एंड सेंड टू द दर्जिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन और फिर फाइनली एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है कि यस मैंने रिसीव कर लिया है और वो सेंड कर दिया जाता है तो एडवांटेज क्या है डी आई सिस्टम के तो रिडक्शन इन डेटा एंट्री एयर यानी कि डेटा एंट्री एयर में रिडक्शन होता है शॉर्टर प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल होता है तुरंत हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा होता है यानी कि हार्ड कॉपी नहीं लगता है रिडक्शन पेपर वर्क पेपर वर्क कम हो जाता है कॉस्ट इफेक्टिव है यानी कि खर्चा कम आता है स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है तो ये ई का एडवांटेज है तो अगर हम देखें इस वीडियो में तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क टॉपोलॉजी और ई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज तो इस वीडियो में इतना ही यू ऑल द बेस्ट कीप पॉचिंग